मुंबई की मेयर भूमि पेडनेकर ने बताया है कि जिन लोगों ने कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर लिया है और जिन्हें संदेश आया है वे वैक्सीनेशन केंद्र जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 45 से 60 साल की उम्र के बीच के लोगों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। 18 से 44 साल के लोगों को तभी वैक्सीनेशन मिलेगी जब उन्होंने खुद को कोविन ऐप पर रजिस्टर किया हुआ हो और उन्हें सरकार की ओर से संदेश मिला हो। रुग्णालय में अपना वैक्सीनेशन 18 से 44 ईयर के लोगों को होने वाला है। एक मुंबई सेंट्रल नायर हॉस्पिटल, एक अपना घाटकोपर में राजावाड़ी हॉस्पिटल, जू विले पार्ले में कुपर हॉस्पिटल, अपना अंधेरी मरोड़ 7 हॉस्पिटल और वांद्रा कुर्ला संकुल जो बीकेसी कहते हैं कोविड सेंटर, या ऐसे 5 जगह में दोपहर 1 बजे के बाद 18 इयर्स एंड 44 इयर्स के अंदर जो लोग हैं उनको प्राथमिक स्वरूप से जो वैक्सीनेशन महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाद मुंबई में आया है, जिसका कोविन ऐप पे जो नागरिक है उनका कोविन ऐप पे रजिस्टर हुआ है और रजिस्टर होने के बाद आपको एक लघु संदेश भी आया है, मैसेज आया है, तो आपको जाना है। जब तक मैसेज नहीं आया है तब तक आप कोविड सेंटर या वैक्सीनेशन सेंटर पे जा नहीं सकते, क्योंकि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, महानगर पालिके ने पहले 3 दिन पहले ही ये SOP जाया डिक्लेयर की है। देश दुनिया दी ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हां नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर के उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इना ही नहीं, अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज़, पंजाब दी आवाज़ अजीत।